प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को जो है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का चौथा पैरा पढ़ा रहे हैं। इन मार्च 1878 ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च 1878 को वह एक बिजली के बल्ब पर कार्य करना शुरू किया। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज। लोग उन दिनों मोमबत्ती और तेल के दीपक का प्रयोग करते थे। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन टू ईयर्स। एडिसन ने उन्हें दो वर्ष में बिजली का बल्ब, बिजली का प्रकाश देने का वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ये कहा, ऑल द साइंटिस्ट लॉफ्ड एट हिम। जब उसने ये कहा तो सारे वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन इन सब बातों से चिंतित नहीं था। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठोर से कठोर परिश्रम किया, उसने कठोर से कठोर परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1000 प्रयोग किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं त्यागा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा कि मुझे लोगों से किए गए वादे को पूरा करना चाहिए। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और अब भी कठोर परिश्रम करने लगा या किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वह समय के विरुद्ध दौड़ रहा था, चल रहा था। एट लास्ट ही सक्सेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वह एक बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुआ। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद, 1000 और 200 यानी 1200 प्रयोग करने के बाद, ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 के नौ वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। वह और उसके कार्यकर्ताओं ने 1880 के नौ वर्ष के दिन बिजली का प्रकाश अपने कार्यशाला पर लगाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, ग्रैंड मीन शानदार, उस शानदार दृश्य को देखने के लिए पूरी अमेरिका से लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने लोगों से किए गए अपने वादे को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। 4 सितंबर 1882 को पूरा न्यूयॉर्क पहली बार बिजली के प्रकाश में जगमगाया, बिजली के प्रकाश से चमका, प्रकाशित हुआ। एडिसन सर्वड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के समय किया। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, उसने युद्ध के समय 40 आविष्कार किया। एंड वॉज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उसे पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। 1929 को बिजली के बल्ब की रजत जयंती को शानदार ढंग से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने उसका स्वागत किया एंड हॉनर्ड और सम्मान किया। एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में, एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक प्रेसिडेंट। एडिसन फंक्शन में प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए उठा, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकम वर्स
उसकी बीमारी और बढ़ गई एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वह शनिवार की सुबह मर गया 18 अक्टूबर 1931। 18 अक्टूबर 1931 को दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन। इस प्रकार घटना प्रिय एक महान और घटनाओं से भरे हुए व्यक्ति का घटनाओं से भरे हुए जीवन के व्यक्ति का अंत हो गया। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन को संपन्न बनाया और खुश बनाया, खुश और संपन्न बनाया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। उसने एक बार कहा था कि मैं किसी ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सैड, उसने यह भी कहा, वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार, उसने यह भी कहा था कि संसार अंधकार में बहुत लंबे समय से रह चुका है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफर एंड मोर लाइट, उसने एक बार कहा था कि संसार जो है काफ़ी लंबे समय से अंधकार में है, मैं उसे अधिक से अधिक प्रकाश और अधिक से अधिक खुशियां देना पसंद करूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वादे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफर, उसके ग्रामोफोन ने हमें अधिक से अधिक खुशियां दिया। एंड हिज इलेक्ट्रिक बल्ब हैज गिवन अस मोर लाइट, और उसके बिजली के बल्ब ने हमें अधिक से अधिक प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिशन, आज हमारे देश को और संसार को एडिशन जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल्स, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को उसके महान उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए। उनके इस पाठ से सभी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद। इम्पॉर्टेंट पाठ है, इस पहरे को, इस पाठ को पूरा पढ़ लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आया होगा उसको आप पूछ लेंगे, और इस पर जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका आप फेयर करिए, जो क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं उसको पूछ लीजिए। धन्यवाद।